जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप पे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल क्लास जो है हमारी जनरल साइंस, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश पटवारी, एसएससी जीडी, हिमाचल पुलिस, अग्निवीर, हर क्लास के लिए यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की झड़ी और जिसकी डिटेल स्टडीज के लिए रोजाना मैं क्लास लेकर आता हूं। तो फटाफट इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को फटाफट कर दीजिएगा कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस भी आए और इससे हमारी जो नौकरी का सपना जो है, जो कि आपने देखा है, वो पूरा हो जाए। तो सवालों को शुरू करता हूं कि सबसे पहला है, कौन सा रोग कीटों को काटने से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कीटों को काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू, जैसे कि मादा मच्छर से काटने से जो है ये भी कीटों में ही आता है। थोड़ा सा हम विषाणुओं से जुड़े हुए सवालों को सोच लेते हैं, देख लेते हैं और नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आज तक आपको यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुई। तो फटाफट देखते हैं, सबसे पहले है विषाणु से होने वाला चेचक, दूसरा छोटी माता, तीसरा पोलियो, चौथा रेबीज, सार्स, डेंगू ज्वर या डेंगू बुखार, खसरा और सामान्य जुखाम। आजकल जैसे जुखाम भी सबको, हर किसी को हो जाता है, तो ये सभी के सभी विषाणुओं से जुड़े हुए जो हैं वो हमारे बीमारियां हैं यानी कि रोग हैं। तो आपको ये वन बाय वन सभी विषाणुओं से जुड़े हुए रोग याद रखने चाहिए, यानी कि बैक्टीरिया से होते हैं। इसी प्रकार से गलसुआ भी रोग जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला, यानी कि विषाणु से होने वाला है। बैक्टीरिया से होने वाले जो है रोग हैं ये सारे, प्लेग है, हैजा है, टाइफाइड है, नमोनिया है, काली खांसी है, कुष्ठ रोग है, टिटनेस है, ये सभी रोग प्यारे बच्चों किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होने वाले सभी रोग है। इसी प्रकार से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले है ये क्लास। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं देखिए, सबसे आया पेचिस, पेट खराब हो जाता है भैया। नंबर दो मलेरिया, मलेरिया से आपको पता है बुखार निकलते हैं, ठीक है। नंबर तीन काला अजार, यानी कि बहुत ज्यादा बुखार निकलता है इससे भी। नंबर तीसरा निद्रा रोग, रात को नींद नहीं आती है, ये सभी प्रोटोजोआ के जो है वो रोग है। इसी प्रकार से अगला सवाल आ गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी और बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी हड्डी जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो आपको पता है जांग में होती है फीमर नाम की हमारी हड्डी है, जो हमारे शरीर की बहुत ही बड़ी हड्डी यानी कि सबसे बड़ी हड्डी है। इसी प्रकार से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कमेंट करेंगे। तो मानव शरीर से महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से जुड़े हैं देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जैसे मैंने आपसे पूछा भी था, स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी होती है, कान के अंदर मध्य भाग में होती है सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपीज है। अगला सवाल है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यानी कि यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट आ जाता है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे प्यारे बच्चों, पूरी क्लास की वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और साथ में नोट कर लीजिएगा कि आपको ये बेस्ट टू बेस्ट नोट्स बन जाए। मानव शरीर से ही और सवाल लेकर आया हूं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में होती है यानी कि अंडाणु, जहां पे बच्चा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में होती है शुक्राणु, ठीक है। महिलाओं में अंडाणु होते हैं और पुरुषों में शुक्राणु होते हैं। अगला सवाल, कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? यानी कि रक्त जो है वो मानव के अलग अलग भागों से लाता है हृदय में, नसें, जो नसें होती हैं शरीर के अंदर हमारी जो नसें हैं वो लेकर जाती हैं इधर से उधर जो भी रक्त को। तो ईसीजी का पूरा नाम बताएं, ईसीजी का, तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है, सॉरी अपना मस्तिष्क है, ईईजी होता है वो,
ठीक है, ईसीजी करवाते हैं, ये हृदय से जुड़ा होता है। मनुष्य के हृदय एक मिनट में सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो 72 बार जो है एक मिनट में, लगभग 72 बार जो है हमारा हृदय जो है वो धड़कता है। मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त, यानी कि जो हमारा अनप्यूरिफाइड रक्त है वो कौन पहुंचाता है, तो वो है फेफड़े की धमनियां। फेफड़े की धमनियां जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है, सबसे ज्यादा हृदय कोष्ठक किसमें होते हैं। हृदय कोष्ठक जो है, हृदय कोष्ठक सबसे कहां किसमें होते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कॉकरोच में होते हैं। 13 कोष्ठ होते हैं, जैसे मनुष्य में जो है वो 4 ही कोष्ठ होते हैं, इसी प्रकार से जो है कॉकरोच में 13 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, जो हार्ट बीट्स है उसको मापने के लिए क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है ईसीजी, जो अभी मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये हमारे हृदय की जो है गति को यानी कि स्पीड को मापता है। नेक्स्ट आता है, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं, हार्ट और उससे जुड़ी हुई बीमारियां उनको क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, जो हार्ट है उसको फास्ट उत्तेजित कौन करता है, तो करेक्ट आंसर है थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन ग्रंथि है ये हार्ट को जो है कि धड़कन यानी कि उसको बहुत ज्यादा तेज बढ़ा देती है, यानी कि उसमें तेज स्पीड कर देती है। पेसमेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पेसमेकर मानव शरीर के किस अंग में जो है या किस अंग से संबंधित है या किस अंग में जो है उसको डाला जाता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हृदय में, हार्ट में स्टंट डाला जाता है, जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं स्टंट डाला जाता है। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस की आवश्यकता होती है, यानी कि हार्ट को नियंत्रित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो करेक्ट आंसर रहेगा सोडियम को। यानी कि किसी को भी हार्ट की अगर दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले मेरे बच्चों याद रख लो कि उसका सोडियम जरूर चेक करना चाहिए, तो सोडियम की वजह से जो है वो हम नियंत्रित कर सकते हैं हार्ट बीट्स को। अगला सवाल, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, मानव शरीर जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो करेक्ट आंसर है तरल संयोजी, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए तरल संयोजी। अब ब्लड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, वन बाय वन नोट कर लीजिएगा। पहला है, रक्त पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। नंबर दूसरा, एक व्यस्क मनुष्य लगभग जो है 5 से 6 लीटर रक्त जो है होता है, यानी कि मनुष्य में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगला है, कार्ल लेडस्टीनर द्वारा जो है रक्त समूह की जो है वो खोज भी की गई थी, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लेडस्टीनर ने जो है वो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आगे देख लेते हैं, ओ नेगेटिव की बात कर रहे हैं, रक्त समूह जो है वो हम सर्वदाता कहते हैं और ए बी को जो है सर्वग्राही कहते हैं। ओ को हम क्या कहेंगे, ओ को कहेंगे सर्वदाता और ए बी को कहेंगे सर्वग्राही रक्त समूह। हेपरिन होने के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता, यानी कि शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता, हम इतनी बर्फ में बैठ जाते हैं फिर भी हमारा ब्लड जो है वो नहीं जमता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हेपरिन के कारण। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन के की वजह से। आगे आ जाता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये केएम क्षारीय भी होता है, ये जो टोटल जो है वो कितना होता है, क्षारीय, यानी कि एस आपका क्षार मतलब बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक नेचर का।
लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जो निर्माण है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका रंग होमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त की सबसे बड़ी वाहिका जो है एरोटा होती है, जो सबसे ज्यादा जो ब्लड जो लेके जा रही है वो कौन सी है फ्लो करने के लिए? एरोटा बोलते हैं। कौन सी लेके जाती है? एरोटा जो हमारी नस है वो सबसे ज्यादा ब्लड लेके जाती है। कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका है? तो आपको पता होना चाहिए तंत्रिका कोशिका जो है शरीर की सबसे लंबी या कोशिका है। कोशिकाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसका आंसर रहेगा। आगे आता है कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन होता है। या कोशिका किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होने के लिए राइबोसोम्स होना आवश्यक होता है। किसी भी प्रोटीन की यानी कि कोशिका है उसको बनना है तो वो राइबोसोम की आवश्यकता से ही बनाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओबम होती है। कौन सी होती है? ओबम होती है। तो ये थे हमारे जनरल साइंस से जुड़े हुए आज के सवाल। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा इस चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।